हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वादर टेस्ट में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस एक सब्जी की रेसिपी, जो है पनीर कॉर्न एंड कैप्सिकम की सब्जी। बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। अगर आपको जल्दी से कोई सब्जी बनानी है तो ये रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरे जितने भी वीडियोस आए, जितनी भी रेसिपीज आए, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो शुरू आज की रेसिपी को। पनीर कॉर्न कैप्सिकम का सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। और जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसके बाद हम लोग डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, और इसको थोड़े देर के लिए हमें भून लेना है। जैसे ही जीरा थोड़ा सा क्रैकल करने लगे और अच्छी तरीके से भून जाए तो उसके बाद हमें इसमें डालना है बारीक कटा हुआ प्याज। और मैंने यहाँ पे लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, इसे हमें इसमें डाल देना है और अच्छी तरीके से हमें इसे भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब हम सब्जी बना रहे होते हैं तो प्याज को हमें अच्छी तरीके से भूनना होता है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तो सब्जी में एक मिठास भी आता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। लगभग 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पर, और प्याज यहाँ पे अच्छी तरीके से भून चुका है और अच्छा एक गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है। और इसके बाद इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी हमें भून लेना है जब तक कि इसका कच्चापन ना चला जाए और अच्छे तरीके से ये पक ना जाए। लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पर। बीच बीच में मैंने फ्लेम को लो रखा है और मीडियम से लो फ्लेम के बीच में इसको फ्राई किया है। मसालों को हमें अच्छे से भूनना होता है, तभी जो सब्जी हम बना रहे होते हैं उसमें टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे हम लोग का अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरीके से भून चुका है और तैयार हो चुका है। और यहाँ पे मैंने मसालों को थोड़ा सा हल्का सा मैंने ब्राउन किया हुआ है, और इसके लिए मैंने और 1 मिनट मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। और इसके बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, और इसको भी इसमें फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई कर लेना है, ज्यादा इसे नहीं पकाना है। और इसके बाद इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर, मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, और इसे भी हमें भून लेना है लगभग 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। और हमें तब तक भूनना है जब तक ये थोड़ा सा गल ना जाए, थोड़ा सा पक ना जाए। मैंने यहाँ पे 1 ही मीडियम साइज का टमाटर लिया है क्योंकि इसके साथ में और एक इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी जो कि एक थिकनेस देगा हमारे सब्जी को और इस मसाले को भी। और उसके लिए मैं यहाँ पे डालूंगी 1/2 कप टमेटो प्यूरे, और इसे भी हमें मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और अच्छी तरीके से इसे पकाना भी है। आप यहाँ पे मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं टमेटो प्यूरे, जो कैन वाले होते हैं, वो वाले भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको घर पे बनाया है। टमाटर को मैंने मिक्सी में पीस लिया है और इसको अच्छी तरीके से छान लिया है, जो भी सीड्स वगैरह है उसको अलग कर लिया है, क्योंकि हमेशा मार्केट वाले जो टोमेटो प्यूरी है घर पे अवेलेबल नहीं रहते हैं। इसके बाद इसमें मैंने डाला है स्वादानुसार नमक, मैंने यहाँ पे लगभग 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। बाद में हम सब्जी को टेस्ट करने के बाद इसमें और नमक ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया है और थोड़ा सा टमाटर पक भी गया है, और फ्लेम को मैंने मीडियम से लो में रखा है। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी, और इसे भी हमें मिक्स कर लेना है मसालों में और 1 मिनट तक हमें इसे पका लेना है। उसके बाद जितने भी स्पाइसेस है मैं इसमें ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया है, बस थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में मैंने मसालों को लिया है। और सबसे पहला जो हम इसमें डालेंगे वो है काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया है मैंने। और इसके बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और उसके बाद डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और लास्ट में डालेंगे रेड चिली पाउडर 1 छोटा चम्मच। बस इतने ही मसाले हमें इसमें डालना है और सारे मसालों को हमें मिक्स कर लेना है, अच्छी तरीके से भूनना है अच्छी तरीके से। फ्लेम को मैंने लो रखा है, 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया है। और हमारे जो मसाले हैं थोड़े से ड्राई लग रहे हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, तो मैंने 1/2 कप पानी इसमें लिया है। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे मसालों में और 1 मिनट के लिए इसे पका लेंगे, ताकि हम लोग का जो मसाले है वो ऐसे कंसिस्टेंसी में आ जाए जो कि हमारे सब्जियों को अच्छी तरीके से कोट करे। और मैंने यहाँ पे मसाले को अच्छे से भून लिया है, और आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलना भी शुरू हो गया है। बस हम लोग का मसाला तैयार है और हमारे जितने भी वेजिटेबल्स है उसको हम लोग ऐड करेंगे। और सबसे पहले मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम, और मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के कैप्सिकम लिया है, और 1 कप स्वीट कॉर्न, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न लिया है मैंने यहाँ पे।
आप चाहे तो यहाँ पे कच्चा कॉर्न भी ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए उसे पकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉर्न बॉइल्ड है, बस हमें कैप्सिकम को पकाना है। तो इसे मैं मसाले में अच्छे से कोट कर लूँगी और इसको भूनते हुए थोड़ी देर के लिए हमें 2 से 3 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना होगा। और तब तक हमें इसे भूनते रहना हो जब तक कि कैप्सिकम थोड़ा सा ना पक जाए। सब्जियों को हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, तो थोड़े देर के लिए ही हमें इसे पकाना है। यहाँ पे मसाले थोड़े से ड्राई हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 1/4 कप पानी इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि जो कैप्सिकम है वो अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे मैं सब्जियों को और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और तब तक मैं इसे पकाऊँगी जब तक थोड़ा सा हल्का सा कैप्सिकम पक ना जाए, लगभग 2 से 3 मिनट तक। और लास्ट में हमें इसमें डालना है पनीर। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है। मैंने यहाँ पे पनीर को फ्राई नहीं किया है, आप चाहे तो पनीर को थोड़ा सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं। और हमें पनीर को लास्ट में ऐड करना है क्योंकि हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है। और यहाँ पे सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें 2 मिनट तक पनीर को कुक करना है। और मैंने पनीर को अच्छे से कुक कर लिया, आप देख सकते हैं सब्जी कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। और मसाले अच्छी तरीके से वेजिटेबल्स में, पनीर में अच्छी तरीके से कोट हो गए हैं। तो हम लोग का पनीर का सब्जी बन के तैयार हो गया है। और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी और इसे भी हमें सब्जी में मिक्स कर लेना है और 1 मिनट तक इसे पकाना है, फ्लेम को लो रखना है। जब भी हम किसी सब्जी में कसूरी मेथी का इस्तेमाल करते हैं तो वो सब्जी का या फिर जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसका टेस्ट बहुत चेंज कर देता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने यहाँ पे इसको 1 मिनट के लिए पका लिया है। और लास्ट में हमें इसमें डालना है चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, धनिया के पत्ते, और इसे भी अच्छी तरीके से सब्जी में मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमें फ्लेम को ऑफ कर लेना है। तो बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है, आप इसे रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आपने देखा कि ना ही इसमें ज़्यादा मसाले हैं और ना ही इसे बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं और कुछ स्पेशल आप बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें एंड शेयर दिस रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरे जितने भी रेसिपीज आएँ, जितने भी वीडियोज आएँ, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए रेसिपी के साथ।